दोस्त, मैं मोहम्मद नियाज अहमद, जिला परिषद नानपुर प्रखंड, जिला सीतामढ़ी का स्थायी निवासी हूं। मैं एक बात कहना चाहता हूं आप सभी तमाम दोस्तों से। हमारे नागपुर प्रखंड में 17 पंचायत है। 17 पंचायत में 16-17 में जो प्रधानमंत्री आवास आया, प्रधानमंत्री से जब आवास आया, जब टारगेट आया, तो उस प्रधानमंत्री आवास के में जो ग्राम सभा से सूची से लेना था, हमारे यहाँ के वीडियो संदीप सौरभ ने जो घिनौनी खेल खेला है, वो कहने में हमको शर्म आता है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि गरीब, अति पिछड़ा, बेअबला, बेघर, फूस वाले को, टट्टी वाले को पहले प्राथमिकता दी जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी, जो आपका कानून का जो गाइडलाइन बना हुआ है, उसको संदीप सरोवर ने ताक पे रख दिया, ताकि उनको पैसा चाहिए था। पूरे नागपुर प्रखंड के प्रधानमंत्री आवास को उन्होंने पैसे के खातिर मुखिया के हाथों बेच दिया, क्योंकि जो ग्राम सभा में सूची बनी, उस सीरियल में जो गरीब लोग, मुस्मात लोग, अति पिछड़ा जो आ रहे थे, उनको छांटते हुए जो लोग ने उन्हें पैसा दिया, उसका नाम सीरियल में लिया, जो नहीं दिया उसको सीरियल से हटा दिया गया, क्योंकि गरीब के पास पैसा नहीं, कहां से लाएंगे। कानून के गाइडलाइन में लिखा गया है कि मट्टी वाले को देना है, फूस वाले को देना, बेघर को देना है, मजलूम को देना है, लेकिन यहां के वीडियो संदीप सौरभ ने जो घिनौना खेल खेला है, उसको कहने में शर्म लगती है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमने एक आवेदन प्रधानमंत्री को 4-4-17 में भेजा, उसके बाद तिरहुत कमिश्नरी मुजफ्फरपुर को 4-4-17 में दिया, उसके बाद माननीय ग्रामीण मंत्री श्रवण कुमार को एक आवेदन भेजा, उसके बाद मैंने अपने चेयरमैन सीतामढ़ी को एक दिया, उसके बाद मैंने अपने डीडीसी सीतामढ़ी को एक आवेदन दिया, लेकिन इतना आवेदन देने के बाद भी आज तक संदीप सरोवर पे कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। इसलिए नहीं करी गई ताकि हमको लगता है कि इसमें सरकार की भी सम्मिलितता है। मेरे भाइयों, इस वीडियो को इतना शेयर करो ताकि गरीब, मुस्मात, अति पिछड़ा का हक नहीं मारा जाए, और इस वीडियो को इतना शेयर करो ताकि संदीप सौरभ पे कानूनी कार्रवाई करके उन्हें जेल भेजा जाए। आदाब।